फिल्मी पर्दे पर अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाने वाले नसीरुद्दीन शाह ने अब सरकार के खिलाफ बगावती सुर तेज कर दिए हैं। नसीरुद्दीन शाह का एक और वीडियो सामने आया है जिसमें उन्होंने मुल्क के हालातों पर चिंता जताई है। हर इंसान की जान और माल की इज्जत की जाए। हमारे मुल्क में जो लोग गरीबों के घरों को, जमीनों को, रोजगार को तबाह होने से बचाने की कोशिश करते हैं, जिम्मेदारियों के साथ साथ हुकूक की बात करते हैं, करप्शन के खिलाफ आवाज़ बुलंद करते हैं, तो ये लोग दरअसल हमारे उसी ऐन की रखवाली कर रहे होते हैं। ये एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया का एक कैंपेन वीडियो है जिसे जारी किया गया है। इस वीडियो में नसीरुद्दीन शाह ने भीमा कोरेगांव मामले में गिरफ्तार लोगों का भी जिक्र किया है। अब हक के लिए आवाज उठाने वाले जेलों में बंद है। कलाकार, फनकार, अदीब, शायर सब के काम पे रोक लगाई जा रही है। जर्नलिस्ट को भी खामोश किया जा रहा है। मजहब के नाम पर नफरतों की दीवारें खड़ी की जा रही हैं। मासूमों का कत्ल हो रहा है। पूरे मुल्क में नफरत और जुल्म का बेखौफ नाच जारी है। नसीरुद्दीन शाह के इस वीडियो पर एक बार फिर राजनीति तेज हो गई है। नेता से लेकर अभिनेता ने वीडियो पर अपनी राय देनी शुरू कर दी है। पहली बार नसीरुद्दीन शाह एमनेस्टी इंटरनेशनल की वजह से एक्सपोज हुए हैं। अब तक तो सिर्फ एक्टर की तरह बात कर रहे थे, अब तक तो सिर्फ क्रिएटिव शख्स की तरह बात कर रहे थे, लेकिन आज इस बात का एहसास हुआ कि कोई ऐसी ताकत है, कोई ऐसी शख्सियत है, कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो नसीर साहब के पीछे है। इससे पहले नसीरुद्दीन शाह का एक और वीडियो सामने आया था जिस पर जमकर राजनीति हुई थी। देश के माहौल को लेकर नसीरुद्दीन ने आज तक पर सफाई भी दी, वहीं अपने बयान को सही ठहराया था। मैंने ये नहीं कहा कि ऐसा होना चाहिए या ऐसा होगा। मैं सिर्फ याद दिला रहा हूं जो बातें हो चुकी हैं हमारे मुल्क में। कौन इनकार कर सकता है कि इस तरह के हादसे हुए हैं जहां लोगों को घेरा गया है और उनसे पूछा गया है कि अब तुम्हारा मजहब क्या है, बताओ। बहरहाल एक बार फिर नसीर का वीडियो बम फटा है जिसके धमाके की गूंज मुंबई से लेकर दिल्ली तक सुनाई देने लगी है। बेंगलुरु से नागार्जुन के साथ मुंबई से विद्या